वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे माई टॉपिक इज लाइंस चैप्टर क्या लाइंस एंड एंगल, उसका थ्योरम नंबर 6.1। दिस इज क्लास 9 टॉपिक। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि जब दो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब जैसे जीरो पॉइंट पे है, ठीक है ना, और उसके जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमको यही चीज़ इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करनी है। तो सी, दिस इज अ लाइन ए बी, दिस इज अ लाइन सी डी, ए बी देन सी, और ये डी लाइन है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर रही, जो क्या नाम है, ओ दे दिया अपन ने नाम, बिकॉज इंटरसेक्ट हो रही है। अब देखो ये जो एंगल है कौन सा, ये एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम आ हियर, एंगल एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ऑल्सो इक्वल ईच अदर। तो दैट इज डेट्स वाई यही हमें क्या करना है इस थ्योरम के अंदर, हमको प्रूव करना है कि ये एंगल क्या होंगे, ये जो अपने ग्रीन लाइन से किए एंगल जो बनाए हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम जो रेड से किए हैं ये दोनों, ये एक दूसरे के एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द जस्ट फर्स्ट राइट ऑल द पॉइंट नेसेसरी, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस थ्योरम्स। या दिस इज द लेट्स ए बी एंड सी डी बी ए टू लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, मैं जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इन दिस केस टू पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नैमली एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, सेम हाइयर एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यही हमें प्रूव करना है, टू प्रूव डेट एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। या ऑन लाइन ए बी, अब सबसे पहले ऑन लाइन ए बी फाइंड आउट करते हैं बाय पेयर बाय लाइन पेयर, जैसे प्रूव करना चालू करें बाय लाइन पेयर। सो एंगल ए ओ एंगल ए बी पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी ये जो दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये कितने हैं, एक एक इक्वल टू 180 डिग्री से, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर। सेम थिंग आई हियर, एंगल सी डी भी देखते हैं, मतलब लाइन सी डी भी देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सेम थिंग आई हियर, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ सी इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी के इक्वल है। अब जब हम क्या करते हैं, हम कब जब कंपेयर करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि इन दोनों में एक कॉमन एंगल आ रहा है जिसे कहते हैं एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी। तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कट कर देंगे। जैसे मैंने इसको कट किया, ये कट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ दो एंगल बचते हैं, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ठीक है। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यही तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों वर्टिकल्स एंगल्स जो है एक दूसरे के इक्वल है। अब क्या करना है, पर इसके बाद आपको एक और इक्वेशन बची है, एक और एंगल आपको प्रूव करना है, कौन सा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, वापस जो हमको एंगल फाइंड आउट करना था वो कौन सा था, वो था एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, जो एक दूसरे के इक्वल होंगे वर्टिकली। तो देखिए ऑन लाइन ए बी बाय लीनियर पेयर एंगल ए ओ डी, मतलब ए ओ डी सेम थिंग आया, एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्रीज, ठीक है। एंड अगेन सी डी पे क्या होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये तो क्लियर है आपको किस तरह से 180 डिग्री एंगल बन रहे हैं। अब क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। क्या करना है, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और 4, तो क्या लिखा है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये दोनों जो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 क्या एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब देखिए इसमें से दो एंगल कॉमन आ रहे हैं, एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ डी, तो क्या हम इसे काट सकते हैं, हाँ डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। देखिए काटने के, ये काटा मैंने इसको और अब ये काट दिया, आपके पास दो ही एंगल बचे, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो देखिए
जब काटने के बाद जब दो एंगल होते हैं, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, तो मतलब ये बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, तो ये आपका जो दूसरा एंगल जो था, मतलब दूसरा जो सेकंड वर्टिकल एंगल था, वो भी क्या हो गया आपका एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो पहला कौन सा था, ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी हमने प्रूफ किया। थर्ड सेकंड कौन सा किया, ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी को प्रूफ किया। तो हैंड फ्रॉम दिस थियोरम देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल्स, ठीक है ना, इन दिस टू लाइन्स। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये थ्योरम आपको समझ में आया किस तरह से थ्योरम प्रूव किए। थैंक यू माय फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।